अब फिल्म की शुरुआत में हम एक गैंग को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर एक नम नाम के बंदे को पकड़ के रखा था। और यहाँ पर गैंग लीडर कैंग और नम दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने बहुत सारे काम भी एक साथ मिलकर किए होते हैं। लेकिन फिर कुछ समय पहले नम ने कैंग के बहुत सारे पैसे चुरा लिए और अब वो उन्हें वापस भी नहीं लौटा रहा है। और यहाँ पर वो पैसे कैंग ने अपने बॉस चेयरमैन सिंह से लिए थे और अब कैंग काफी परेशान है क्योंकि अगर उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वो चेयरमैन को क्या जवाब देगा। और कैंग के पूछने पर नम वहाँ पर जवाब देता है कि उसने उन पैसों को समंदर में फेंक दिया। तब यहाँ पर कैंग कहता है कि आखिर कोई 30 मिलियन वॉन को ऐसे कैसे फेंक सकता है। तो मैं कुछ समझ भी आ रहा है कि वो कितने पैसे थे। और अब फ्रस्ट्रेशन में वो अपने वर्करों से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से एक ड्रिंक बनाओ। और अब बॉटल खोलते वक्त उस बॉटल का कैप कैंग के सर में लगता है जिस पर कैंग गुस्से में आकर अपने ही वर्कर को चाटे पे चाटे मारता है, ऐसे करोगे अपने बॉस की सेवा। और इसके बाद दूसरा वर्कर बॉटल खोलता है लेकिन उससे भी वही गलती हो जाती है जिसके बाद कैंग उसे भी वैसे ही मारता है क्योंकि अब यहाँ पर एक तो वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है और ऊपर से उसके दोनों ही वर्कर भी निकम्मे हैं। और अब कुछ देर बाद वो तीनों ही नशे में सो चुके थे और इसी मौके का फायदा उठाकर नम यहाँ पर खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब होश में आने पर कैंग उसे कॉल करता है और वो नम से कहता है कि अगर तुम अगली बार मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन नम जानता था कि कैंग उसे नहीं मार सकता जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते, इसलिए यहाँ पर वो बिल्कुल बेफिक्र होता है। और इसके दूसरी तरफ हम जंग नाम के एक बंदे से मिलते हैं जो कि एक राइटर होता है और नम यहाँ पर उसी से मिलने गया था। और वो उससे पूछता है क्या आप ही हो इनकम्प्लीट लाइफ वाले, क्योंकि यहाँ पर जंग का कोड नेम होता है इनकम्प्लीट लाइफ। वही नम का कोड नेम होता है द फाइनल फ्लेम। और यहाँ पर जंग नम को देखते ही जोर से उसके गले लग जाता है। और वहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नम ने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसके टोटल 4 मेंबर्स हैं और इन 4 मेंबर्स में से 2 तो यही दोनों हैं और बाकी 2 अभी तक यहाँ पे आए नहीं है। और इन 4ों में से एक लड़की थी जिसका कोड नेम था रोज ऑफ बिट्रियल, लेकिन वो अभी तक अपने घर पर ही थी और वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि वो उनके साथ मिलकर जान देने के लिए जाए या नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 4ों यहाँ पर इसीलिए मिलने वाले थे कि ताकि ये 4ों मिलकर अपनी जान दे सके। और फिर वो अपने 4थे मेंबर को कॉल करता है जिसका नाम था डो और उसका कोड नेम था ग्रेट प्लेस्ड हैप्पीनेस। और यहाँ पर वो भी वहाँ पर पहुंच जाता है जिसके बाद ये तीनों ही कैफे से बाहर निकल आते हैं और तीनों को ही भूख लगी होती है। तब नम उन्हें नूडल्स सजेस्ट करता है और वो सभी खाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर जंग कहता है हाँ ये तो मुझे करना ही है क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में था। तब डो पूछता है कि बकेट लिस्ट आखिर ये क्या होता है। तब जंग उसे बताता है कि वो काम जो आप मरने से पहले करना चाहते हो। और यहाँ पर इनका जो मन आता है वो ये सब खाते हैं क्योंकि वैसे भी वो लोग मरने वाले हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। और तभी हमें इन लोगों की एज का पता चलता है। यहाँ पर नम की एज है 43 और जंग की 39 और डो था 22 का। तब नम उससे कहता है कि तुम तो अभी बच्चे ही हो। अब तभी वो रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ सूट दिखते हैं और नम डिसाइड करता है उन्हें खरीदने का और वो उन तीनों के लिए एक एक सूट खरीद लेता है ताकि मरते वक्त वो कम से कम अच्छे तो दिखें। और फिर वो तीनों ही पहाड़ों पे जाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं ये कहते हुए कि हम आ रहे हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ कैंग को देखते हैं जो कि उसके बॉस चेयरमैन के सामने था और यहाँ पर उसकी हालत खराब थी क्योंकि उसे अभी तक पैसे नहीं मिले होते और यहाँ पर चेयरमैन उससे काफी नाराज था। और तभी यहाँ पर कैंग को अपने साथी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि नम का पता चल चुका है। और तभी चेयरमैन उससे कहता है क्या पैसे मिल गए। तब कैंग कहता है कि नहीं लेकिन जल्दी हमें सब कुछ पता चल जाएगा, जिस पर चेयरमैन उससे कहता है कि पिछली बार तो कुछ भी पता नहीं चला लेकिन चलो मैं तुम्हें थोड़ा मेंटली रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि इस बार तुम सब कुछ पता लगा लो। और यहाँ पर चेयरमैन कैंग को बहुत मारता है ताकि इस बार उससे कोई भी गलती ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम नम चंग और डू को देखते हैं जहाँ पर नम ने एक रूम को बुक कर रखा था और यहीं पर ये तीनों खुद को खत्म करने वाले थे। और फिर वो यहाँ पर एक आखिरी बार ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं अपनी अपनी मौत के नाम। तब यहाँ पर जंग नम से पूछता है कि आखिर हम मरेंगे कैसे, जिस पर नम उसे बताता है कि उसने एक जहर खरीद के रखा है और उसे ड्रिंक्स के साथ पीते ही वो तीनों यहाँ पर मर जाएंगे और उन्हें उससे कोई दर्द भी नहीं होगा। लेकिन जंग कहता है कि आखिर इसकी क्या गारंटी है कि ये जहर काम करेगा। तब नम कहता है कि इस जहर का आज तक कोई भी रिव्यू नहीं आया क्योंकि इसे जिसने भी पिया है वो सीधा यहाँ से ऊपर चला गया है। और ये सुनकर जंग भी खुश हो जाता है। और फिर यहाँ पर नम डो से उसके मरने का कारण पूछता है जहाँ पर डो उसे बताता है कि वो पिछले 3 सालों से एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है
लेकिन फिर भी उसे 3 सालों से एक ढंग का कॉलेज नहीं मिल पाया और उसके पेरेंट्स ने भी उससे बात करना छोड़ दिया है। और जब भी वो घर आता था तो कोई भी उससे बात नहीं करता था। और वहीं उसका छोटा भाई, उससे सभी लोग काफी इज्जत से पेश आते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने एक बार में वो एग्जाम निकाल दिया। और यहाँ पर हम डो के पेरेंट्स को भी पूरी तरीके से दोषी नहीं मान सकते क्योंकि एक वक्त आता है जब आपकी उम्र हो जाती है और आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो पेरेंट्स भी पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर डो को अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी लेकिन उल्टा वो मरने चला आता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि डो को पुलिस का कॉल आता है क्योंकि यहाँ पर डो को नम से मिलने से पहले रास्ते में एक वॉलेट मिला था और उसने वहीं पर पुलिस को कॉल कर दिया था। और अब उस वॉलेट का ओनर मिल चुका है और अब वो वॉलेट लेना चाहता है। अब यहाँ पर डो वापस जाकर उस पर्स को देने का सोचता है लेकिन नम उससे कहता है, क्या पागल हो क्या, यहाँ पर पुलिस को क्यों बुला रहे हो। तब डो कहता है कि मैं इस वॉलेट को लौटाना चाहता हूँ क्योंकि इसका ओनर वहाँ पे परेशान हो रहा होगा और मेरा सपना था कि मैं एक ऑफिसर बनूं और अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी तो हम स्वर्ग में जा पाएंगे। तब नम यहाँ पर उससे कहता है, तुम यहाँ पर सुसाइड करने वाले हो तो वैसे भी तुम नरक ही जाने वाले हो। फिर यहाँ पर जंग अपने बारे में बताता है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है और उसे स्क्रीन प्ले लिखने का शौक है और वो अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे कम्प्लीट ही नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से उसके क्लाइंट उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं कि वो एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा। और इसके बाद वो नम के बारे में पूछता है जिस पर नम उसे बताता है कि मेरी जिंदगी इतनी कुछ खास नहीं है, बस मैं बैंकक्रप्ट हो चुका था, फिर कर्ज में डूब गया और फिर बीवी ने डिवोर्स दे दिया। और फिर वो सभी सूट पहनकर तैयार हो चुके थे और उन्होंने अपनी ड्रिंक में भी जहर मिला लिया था। और वो तीनों खड़े होकर कहते हैं कि भले ही हम तीनों इस दुनिया में अलग अलग होकर आए लेकिन जाएंगे एक साथ। और फिर वो जहर पीने ही वाले होते हैं लेकिन तभी नम का फोन बजता है और वो यहाँ पर बाकी दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम अपना फोन बंद क्यों नहीं रखते, पूरा माहौल खराब कर दिया। तभी वो दोनों बताते हैं कि ये फोन हमारा नहीं तुम्हारा बज रहा है। तब यहाँ पर नम उस फोन को रिसीव करता है और कॉल पर होती है द रूल ऑफ बिट्रेयल यानी कि उनकी चौथी मेंबर जिसका नाम है मीजिन। और यहाँ पर वो भी वहाँ पे आने के लिए तैयार हो गई होती है और वो नम से वहाँ का एड्रेस पूछती है। तब यहाँ पर ये तीनों ही उसका काफी देर तक वेट करते हैं लेकिन अब तक मीजिन यहाँ पर नहीं पहुंची होती और इससे यहाँ पर जंग को गुस्सा आने लगता है और वो नम से कहता है कि तुम जल्दी से उसका गिलास भी तैयार कर दो ताकि उसके आते ही हम जल्दी से जहर पी लें। और तभी वहाँ पर बेल बजती है और मीजिन वहाँ पर आ चुकी थी और मीजिन को देखकर उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो अपनी अपनी तरफ से उससे बात करने लग गए थे और बातों ही बातों में वो बिल्कुल भूल गए थे कि उन्हें जहर भी पीना है। और सामने ड्रिंक रखा देख मीजिन उसे पीने जाती है लेकिन तभी वो तीनों उसे रोकते हैं कि ये जहर वाली ड्रिंक है, हम इसे पीकर ही मरेंगे। और फिर वो तीनों ही कहते हैं कि चलो इसे पीकर सब खत्म करते हैं लेकिन मीजिन कहती है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी क्यों पी रहे हो, पहले हम थोड़े मजे कर लेते हैं ताकि खुशी खुशी हम इस दुनिया को छोड़ जाएं। लेकिन अब ड्रिंक्स खत्म हो चुकी थी। तब यहाँ पर वो डो को ड्रिंक्स लाने को कहते हैं। अब ये देखकर मीजिन उससे कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर वो लोग मार्केट से शॉपिंग करके आते हैं और रूम में ही एक गेम खेलते हैं। और यहाँ पर मीजिन पहले उन सभी से उनके बारे में पूछती है और फिर वो अपने बारे में बताती है कि वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है लेकिन वो भी अपनी पूरी कहानी नहीं बताना चाह रही थी। तो वो सभी उससे कहते हैं कि देखो हम वैसे भी एक साथ मरने वाले हैं तो हमें बता दो इसमें क्या ही जाएगा। तब वो बताती है कि उसने जब कॉलेज ज्वाइन किया तब उसकी दोस्ती एक लड़की से हो गई थी और वो उसका काफी केयर करता था और वो दोनों ही हर जगह एक साथ घूमते थे लेकिन एक दिन अचानक वो उससे बात करना बंद कर देता है और वो मुझे धोखा दे रहा था और इसी कारण वो बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी और बस यही कारण है कि वो आज सुसाइड करने वाली है। इस बात पर वो तीनों ही कहते हैं कि मरने से पहले अपने सारे रिग्रेट खत्म कर दो ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल पाए। लेकिन फिर अचानक से उनके मुंह से हंसी आ जाती है और ये देखकर मीजिन वहाँ पर नाराज हो जाती है और वो कहती है क्या तुम लोगों को मेरी बातें मजाक लग रही हैं। तब यहाँ पर जंग उससे कहता है कि नहीं नहीं हमारी हंसी का मतलब ये नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि इस हंसी के साथ तुम्हारी लाइफ के सारे रिग्रेट खत्म हो जाएं और तुम भी खुशी खुशी मर सको। और फिर वो लोग यहाँ पर रोने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फिक्र है तुम्हारी इसलिए हमने ऐसा किया। और ये देखकर मीजिन को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो कहती है कि मैंने बहुत ही इमोशनल कर दिया सबको, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं। और वहीं इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंग और उसके लोग बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं और उन्होंने मीजिन को नम के पास भेजा था और मीजिन पहले से ही उनके लिए ही काम कर रही थी और उसका काम था कि वो नम से पैसों का पता लगा सके। और यहाँ पर कैंग उससे कहता है कि मार पीट कर हम देख चुके हैं लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसे किसी तरीके से ट्रिक करना होगा तभी वो हमें बताएगा कि पैसे कहाँ पर हैं। और यहाँ पर इसी गाड़ी के पीछे
उन्होंने असली रोजो बिट्रेल को पकड़ के रखा था और उसी की जगह उन्होंने मीजन को भेज रखा था। और रूम के अंदर ये लोग यहाँ पर ट्रुथ और डेयर खेल रहे होते हैं और मीजन यहाँ पर नम से उसके बारे में पूछती है और यहाँ पर नम उसे बताता है कि वो हमेशा अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था और इसी कारण से वो कभी भी अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाया। और उसकी बेटी कब बड़ी हो गई उसे उसका पता भी नहीं चला और इन सब से उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इसी वजह से उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया। और ये तो थी उसकी लाइफ की एक गलती। लेकिन फिर एक दिन वो उसके दोस्त की हेल्प कर रहा था और उसका दोस्त एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता था और उसने नम से कहा था कि वो उसके लिए कैंसर पेशेंट की जुगाड़ करे क्योंकि उसने एक नई दवाई बनाई होती है और उसके टेस्ट के लिए उसे कैंसर के पेशेंट की जरूरत है। और यहाँ पर वो दोस्त कैंगी होता है और यहाँ पर उसने कैंग के लिए सब कुछ किया होता है लेकिन एंड में उसे पता चलता है कि उसे खुद पैनक्रियाटिक कैंसर है और इसीलिए वो कैंग के पास जाता है उससे दवाई मांगने के लिए। लेकिन तब कैंग उसे बताता है कि उसके पास कोई दवाई नहीं है बस एक तरीके का ड्रग है जिससे कि लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता और वो लोग वैसे भी मरेंगे ही तो बिना दर्द के मर जाएं। और ये सुनकर नम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कैंग इतने सारे लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है और इसी गुस्से में वो कैंग के 30 मिलियन वॉन को चुरा लेता है। और ये सुनकर जंग उससे कहता है कि तुम्हारी कहानी तो फिल्मों में आनी चाहिए कितनी सही कहानी है। तब मीजन उससे पूछती है कि अब पैसे कहाँ पर हैं और डो भी कहता है कि मुझे भी देखने हैं क्योंकि मैंने भी इतने ज्यादा पैसे कभी नहीं देखे। तब यहाँ पर नम उसे बताता है कि उसने उन सारे पैसों को कैंसर पेशेंट के इलाज करने वाली संस्था को डोनेट कर दिए। अब ये सुनकर मीजन वॉशरूम में जाकर रोने लगती है क्योंकि वो कैंग के कर्जे में होती है और कैंग ने उससे कहा था कि अगर वो आज उसका ये काम कर देती है तो वो उसे आजाद कर देगा। लेकिन अब वो आजाद नहीं हो पाएगी क्योंकि मीजन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग कैंग उसे कहीं भी भेज सकता है और मीजन ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। और वॉशरूम से बाहर आते ही वो कहती है कि हमने बहुत मजे कर लिए और अब हमें हमारा आखिरी काम कर लेना चाहिए। तब यहाँ पर नम कहता है कि आज तो 1 अप्रैल है अगर आज हम मर गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे और अब बस आज के दिन खत्म होने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं इसलिए 12 बजे के बाद हम जहर पी लेंगे। लेकिन मीजन कहती है कि नहीं मैं पीने जा रही हूँ और मैं तुम्हें दूसरी तरफ मिलूंगी। लेकिन वो तीनों उसे किसी तरीके से रोकते हैं और उसे समझाते हैं कि सिर्फ 2 ही घंटों की तो बात है साथ ही में अलविदा कहते हैं इस दुनिया को। तब इस बात पर मीजन भी मान जाती है। अब वहीं पर जंग का लैपटॉप रखा होता है जिसमें कि उसने अपनी स्टोरी लिखी होती है और मीजन यहाँ पर उसे पढ़ लेती है। और यहाँ पर जंग के बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी और उसकी सर्जरी होने वाली थी लेकिन जंग अपने वाइफ और बच्चों के साथ हॉस्पिटल में नहीं था। और यहाँ पर जंग की वाइफ उसके बच्चे को समझाती है कि उसके पिता किसी काम की वजह से हॉस्पिटल में नहीं आ पाए। लेकिन जब वो किसी काम की वजह से अपने घर जाती है तब वो देखती है कि जंग वहाँ पर किसी और के साथ उससे चीट कर रहा है और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। और ये सब पढ़कर मीजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर जंग को बहुत कुछ सुनाती है और उसकी डांट सुनकर जंग को ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक नया जोश आ गया है और इसके बाद वो अपनी स्टोरी कंप्लीट करने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर मीजन नम और डो से माफी मांगती है क्योंकि उसके चिल्लाने की वजह से पूरा माहौल खराब हो गया और वो उन्हें एक आइडिया सजेस्ट कर दिया कि क्यों ना हम बाहर चलें क्लबिंग वगैरह करने। और फिर वो चारों ही क्लब पहुंचकर डांस करने लगते हैं और डांस करते वक्त डो मीजन से पूछता है कि आखिर तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो तुम आखिर इतनी यंग हो और सुंदर भी और तुम दोबारा से अपने डिसीजन को बदल सकती हो क्योंकि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन मीजन उसे असली कारण कैसे बताती। अब इसके बाद यहाँ पर मीजन वॉशरूम में होती है कि तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और वो उससे पूछता है कि पैसे का कुछ पता चला। तब यहाँ पर मीजन उससे झूठ बोल देती है कि नम ने कहा कि उसने उन पैसों को अपने दोस्त को दिया है संभाल के रखने के लिए और उसी के बारे में पता करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ और जल्दी वो ये भी बता देगा। अब इसके बाद वो वॉशरूम से जा रही होती है कि तभी वो कैंग की बातें सुन लेती है कि अब उसने नम की बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाया है और आज रात तक अगर मीजन ये पता नहीं लगा पाती कि पैसे कहाँ पर हैं तो कैंग नम को ब्लैकमेल करेगा उसकी बेटी को किडनैप करके। अब ये सुनकर मीजन नम से कहती है कि तुम आखिर मरना क्यों चाहते हो अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते उसका आखिर क्या होगा तुम्हारे बिना। अब ये सुनकर नम वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है कि प्लीज उसके बारे में बात मत करो और वो मेरे बिना ही काफी अच्छे से रहेगी। और यहाँ पर मीजन नम के पीछे ही जा रही होती है कि तभी जंग उसे पकड़ लेता है और उससे कुछ कहता है
जिससे मीजिन काफी नाराज हो गई थी। और फिर वो रूम पे आने के बाद बाकियों को बताती है कि जंग कह रहा था कि अगर मैं आज यहाँ पर खुद की जान नहीं देती हूँ तो जंग भी मेरे साथ सियोल के लिए निकल जाएगा। जिसे सुनकर डो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम आखिर हमारा प्लान खराब कैसे कर सकते हो और तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। और यहाँ पर नम उन सभी को डांट लगाता है, जिसके बाद यहाँ पर जंग सभी से माफी मांगता है। और यहाँ पर नम उससे पूछता है कि आखिर तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो या फिर यहाँ से जाना चाहते हो, और वो कहता है कि मरना। तब यहाँ पर नम डो और मीजिन से पूछता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, और वो दोनों भी मरना चाह रहे थे। लेकिन अभी रात के 12:05 हो गए थे, यानी कि समय भी हो गया था और वो सभी अब जहर पीने वाले थे कि तभी मीजिन नम से कहती है कि मरने से पहले एक आखिरी बार अपनी बेटी से बात कर लेते, जिस पर नम यहाँ पर उसे मैसेज करता है। और वो मीजिन से कहता है कि तुम आखिर इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रही हो मुझे मेरी बेटी से बात करवाने के लिए। तब यहाँ पर मीजिन उसे बताती है कि वो अपने फादर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा समय तक नहीं रह पाई थी और उनके बिना हमेशा उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी है, और मैं नहीं चाहती कि किम को भी ऐसा ही फील हो। लेकिन तब यहाँ पर नम उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें उसका नाम कैसे पता, क्योंकि मैंने तो कभी तुम्हें उसका नाम बताया ही नहीं, आखिर तुम हो कौन। और यहाँ पर नम इंस्टेंटली समझ जाता है और उससे कहता है कि कहीं तुम्हें गैंग ने तो नहीं भेजा। फिर इसके बाद यहाँ पर मीजिन अपनी असली कहानी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बिटकॉइन के जरिए काफी ज्यादा पैसे कमाए थे, और ये देखकर मीजिन ने भी बहुत सारे लोगों से लोन ले लिया और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा हाई थे, और उन्होंने धोखे से उससे गलत पेपर साइन करवा लिए, और अब अगर मैं आखिर में इंटरेस्ट के साथ पैसे नहीं लौटा पाई तो वो मुझे बेच सकते हैं, और गैंग ही वो लोन प्रोवाइडर है। लेकिन कैंग ने आज मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उन 30 million won का पता लगा लूं तो वो मुझे इस एग्रीमेंट से आजाद कर देगा। और वो बताती है कि कैंग बाहर ही है गाड़ी में, और उसकी गाड़ी के अंदर तुम्हारी असली मेंबर रोज ऑफ बिट्रेल उसी की गाड़ी में है। तब यहाँ पर नम उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो। तब यहाँ पर मीजिन उसे बताती है कि अगर मैं बिना पैसों के यहाँ से गई तो वो वैसे भी मेरी जिंदगी खत्म कर देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर मर जाऊँ। और इसके बाद मीजिन कहती है कि आज कैंग ने तुम्हारी बेटी को अगवा करने का प्लान बना रखा है। तब ये सुनकर नम गुस्से में यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि हम अभी मर नहीं सकते। और इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि जंग और डो डर कर भाग रहे होते हैं चिल्लाते हुए, और कैंग को नम मीजिन के नंबर से कॉल करके बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी, तुम आधे पैसे रखो और मैं आधे पैसे रखता हूँ, और वैसे भी चेयरमैन को बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वो पूछे तो कह देना मैं देश छोड़कर भाग गया, और वैसे भी तुम उसे पैसे नहीं दोगे तो थोड़ी मार खाओगे लेकिन फिर 50% तुम्हारे होंगे, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो तुम्हें एक शाबाशी तक नहीं मिलने वाली, और वैसे भी वो पैसों के बारे में पुलिस को नहीं बताने वाला क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो कि ये सारा पैसा इलीगल है। लेकिन कैंग उसकी डील को नहीं मान रहा होता, तो इस पर नम कहता है तो ठीक है फिर, मेरे दोनों लोगों को तुमने बाहर भागते हुए देखा होगा, वो पुलिस को बुलाने गए हैं और अब यहाँ पर पुलिस आएगी और मैं उन्हें सारे पैसे दे दूंगा और फिर तुम जाओगे जेल में, तो फिर अब देख लो तुम्हें क्या करना है। अब ये बात सुनकर कैंग उसकी डील को मान जाता है। तब यहाँ पर नम उसे एक एड्रेस देता है और उससे कहता है कि वहाँ जाकर मेरा नाम लेना तो मैं तुम्हारे आधे पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर नम उससे मीजिन के एग्रीमेंट वाले पेपर भी ले लेता है, और इसके दूसरी तरफ डो और जंग असली रोज ऑफ बिट्रेल को भी बचा लेते हैं, और अब वो लोग उस एग्रीमेंट को जला देते हैं। और यहाँ पर जंग मीजिन को वापस जाने के लिए कहता है, पर वो वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि इन लोगों ने उसे बचाया है, और वो उन लोगों से कहती है कि वो एक बार दोबारा चीनी का क्यों नहीं सोचते। और उसकी बातें सुनकर नम जंग से कहता है कि तुम वापस जाओ, तुम्हें वैसे भी अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है क्योंकि अब तुम अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर सकते हो, और यहाँ मरने का कोई भी फायदा नहीं। और डो से वो कहता है कि तुम कैंग को एक्सपोज करो और इसके बदले में तुम्हें अवार्ड मिल सकता है और तुम्हारा नाम भी होगा, और वैसे भी तुम पुलिस बनना चाहते हो तो अपनी जान मत दो। तभी मीजिन उससे कहती है कि तुम्हें भी अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है, सब साथ ही में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर नम नहीं मानता क्योंकि वो वैसे भी मरने ही वाला था। तभी उसे उसकी बेटी का मैसेज आता है, आई लव यू डैड, और ये पढ़कर वो काफी इमोशनल हो गया था और आखिरकार वो भी अपनी जान नहीं देता। और इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कैंग को जो कि उस एड्रेस पर पैसे लेने के लिए गया होता है, लेकिन उस जगह पर सब मीडिया वाले भरे होते हैं और वो कैंग से पूछने लगते हैं कि सर आपने इतने सारे पैसे डोनेट कर दिए, कितना बड़ा दिल है आपका, और ये सारी चीज न्यूज में आ रही होती है, और यहाँ पर मीडिया वाले उससे कह रहे होते हैं कि क्या आप आएंगे और भी डोनेशन दोगे, और यहाँ पर कैंग उनसे मना भी नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि हाँ। और यहाँ पर ये सब कुछ चेयरमैन सिंह देख रहा होता है
और वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है और वहाँ पर कैंग बहुत ही बुरा फंसता है क्योंकि पैसे तो उसे मिले नहीं, लेकिन डोनेशन करने की वजह से अब उसे चेयरमैन से मार अलग से मिलेगी। और यहाँ पर वो मीडिया में बोल रहा होता है कि मैं कोशिश करूँगा कि चेयरमैन सर और भी डोनेशन करें और बहुत सारे डोनेशन देकर हम साथ में लड़ेंगे कैंसर से। और वहीं पर ये चारों भी पहुँच चुके थे और उसे देखकर वो बहुत ही हंस रहे होते हैं। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। और यार ये कहानी वाकई में काफी इंटरेस्टिंग थी और हमें काफी कुछ सिखा कर जाती है कि भले ही हम जिंदगी में बहुत बार हारे क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर विल और होप है तो हम सारे परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं और सुसाइड करना कभी भी लास्ट ऑप्शन नहीं होता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा।